हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल प्ले एंड लर्न में। चलिए, जैसे आप देख रहे हैं, आज हम करेंगे तीन अक्षर वाले शब्द। तीन अक्षर वाले शब्द क्या होते हैं? जिसमें तीन अक्षर होंगे। जैसे मान लीजिए ये सारे अक्षर हैं, मान लीजिए ये अक्षर हैं, ठीक है। इनमें से किसी तीन में से हम कोई तीन लेकर वर्ड बनाएंगे, ठीक है। चलिए पहले जैसे, और तीन अक्षर वाले शब्द करने से पहले आपको दो अक्षर वाले शब्द आने चाहिए अच्छे से। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगी, उस वीडियो को देखिए और अच्छे से सीखिए दो अक्षर वाले। फिर उसके बाद हम तीन अक्षर वाले शब्द पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं सीखने के लिए, ठीक है। अब जैसे आपने दो अक्षर वाले शब्द सीखे, जैसे सपोज ये क्या है, द म, आप क्या पढ़ोगे इसे? दम। क्या हो गया बेटा? दम। हम अभी टू लेटर है ना, दो अक्षर के। अगर हम इसमें एक और कुछ मिला देते हैं जो जिनसे कुछ शब्द भी बन जाए और मीनिंग भी निकल जाए उसका, तो हमने ये इसमें आगे क मिला दिया, दिख रहा है बेटा? ये क्या था, ये पहले क्या था? दम, ठीक है। तो इसमें हमने और क्या लिखा है? क, दम, कदम, ठीक है। ऐसे आपको जोड़ के पढ़ना है, ये तो बहुत इजी है। जिनको टू लेटर वर्ड्स आ गए हैं उनके लिए बहुत इजी है। जैसे अच्छा चलिए एक एग्जांपल हो गया, अब ये बताओ ये क्या है? न ल, सबको पता है आपने दो अक्षर करे हुए ना, न ल, नल, नल जिसमें पानी आता है, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें ये वाला अक्षर और जोड़ देते हैं, अ, अ न ल, अनल, ठीक है। ये अ और आप इसके बाद क्या था? नल, अ नल, अनल, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आपको बोलना है, ठीक है। तो अनल मतलब होता है आग, ठीक है। तो एक वर्ड बन गया हमारा, कुछ और करते हैं। जैसे ये है ह और ये क्या है? ल, हल। आपको पता है टू लेटर वर्ड है हल, इसमें हम एक वर्ड और जोड़ देते हैं, कोई सा भी अक्षर और जोड़ते हैं। मान लो इसमें मैंने म जोड़ दिया, ठीक है, म को भी साइड रखते हैं। ये क्या था? हल, म, म, हल, महल, ठीक है। समझ आ गया बेटा? ऐसा प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब हम वर्कशीट से शुरू करेंगे। हाँ जी, ये वर्कशीट है हमारी, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमने यहाँ पढ़ेंगे तीन। अब ये देखो ये भी बिना मात्रा का ही आपको आ जाएगा। अब इसको दो अक्षर वाला है, पहले पढ़ो क्षर, क्षर, इसमें और जोड़ दिया हमने अक्षर, अक्षर, तीन अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास। अब इसमें बहुत सारे वर्ड्स मैंने लिखे हैं, तो आप इनको जोड़ जोड़ के आपको लिखना है। मैं बताती हूँ कैसे लिखना है। जैसे पहले अभी जो हमने करा है, जो जो वर्ड पहले लिखा गया उसी को लिखना है, वर्ड नहीं, सॉरी, जो अक्षर पहले लिखा गया उसी को लिखना है। जैसे अ, अक्षर, ठीक है, और इनको जोड़ के पढ़ना है। क, म, ल, कमल, म, ट, र, मटर, स, म, य, समय, अ, म, र, अमर। ऐसे आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं वर्कशीट, इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको, आप ऐसे एक कपड़ा लिया आपने, कुछ भी ले लिया, इसे इरेज कर दिया, ये आपके लिए फिर से रीयूज करने के लिए रेडी है, ठीक है। आपको बताया था ना, कोई शीट लेनी है और उसको आप इसे किसी प्लास्टिक शीट में ऐसे कवर कर लो, ठीक है। तो आपकी वर्कशीट रीयूजेबल हो जाती है, आप इसे कितनी बार भी आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत सारे वर्ड्स हैं बेटा, ठीक है। आप जब तक आप यहाँ पे इसमें नीचे आओ ना, नीचे वाले पे, ठीक है, तब तक आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी करने की। आपको यार ये तो मेरे यूं चुटकी बजाने का काम है। चलो एक वर्कशीट और करें इजी सी, अब आप सब आ जाएगा धीरे धीरे। हाँ जी, अभी आपने वर्कशीट करी थी, प्रैक्टिस करी थी, प्लस करके कर लिखना। हाँ, मैंने पहले ये भी बताया था, मैं फिर से उसे बता रही हूँ एक बार कि एक थोड़ा सा बताना रह गया था कि आपको इसको प्लस करके नहीं बोलना, अ जमा श जमा र नहीं बोलना, आपको बोलना अ श र। ये प्लस का साइन सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि आपको ये तीनों अक्षर मिला के लिखने हैं या दो अक्षर मिला के लिखने हैं। मैंने पहले अपनी जो वीडियो बनाई है दो अक्षर वाली, उसमें सब बताया हुआ है, उसे देखिए आप। पहले दो अक्षर वाले आएंगे, जब भी आप तीन अक्षर वाले पे चलोगे ना, ठीक है। चलो अगली वर्कशीट पे चलते हैं। ये देखो ये आ गई वर्कशीट। अब इसमें क्या आपको शब्द बनाने हैं, ये कलरफुल इसलिए होते हैं कि आप छोटे बच्चे हैं, है ना, शब्द बनाने हैं। इसके दो, ये जो सर्कल है इसमें बीच में कुछ दो लेटर के वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है, दो अक्षर के शब्द लिखे हुए हैं। इनमें हमें ये जोड़ना है, ऊपर वाला पहले ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करके हमें यहाँ लिखने हैं, ठीक है। ये हम पहले पढ़ेंगे क्या है, द न धन, ठीक है, धन। इसमें हम पहले क्या जोड़ते हैं, म, म, धन, म, धन, मदन, म, धन। इसको आप एक साथ पढ़ सकते हो क्योंकि आपको आगे आगे पढ़ना है ना, मदन। अब ये क्या है, स, धन, स, धन, सदन। अभी क्या है, ब, धन, ब, धन, बदन। ऐसे आपको ये सारे कंप्लीट करना है, ठीक है, ये आपको वर्ड्स बनाने आ जाएंगे। हम क्या करेंगे, सही अक्षर पर गोला लगाओ। आपको चित्र देखना है, दो वर्ड्स लिखे हुए हैं आगे, हर चित्र के आगे, पिक्चर के आगे, ठीक है। उसको आपने सही से पढ़ना है, उसके उस पर सही अक्षर पर गोला लगाना है। जैसे क्या है, मगर, तो आप देखो क्या है, पढ़ते जाओ, म, ग, र, मगर, म, ट, र, मटर, कौन सा सही है, ये वाला ना, तो हम इसको सर्कल कर देते हैं। अभी क्या है, नयन, न, म, न, नमन, न, य, न, नयन, ये वाला सही है, तो ये इस पे कर दिया। ये क्या है, बटन, ठीक है, ब, द, न, बदन, नहीं, ब, ट, न, बटन, ये सही लग रहा है मगर, तो ये मैंने इस पे सर्कल कर दिया। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। अभी क्या है, अच्छा ये पहले पढ़ लेते हैं, फिर आप बताना क्या है, मगर, मगर, मगर है, नहीं, मटर, मटर, हाँ ये तो मटर है, ठीक है। अभी देखो, नरम, 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 नहीं,
गरम गरम, हाँ क्योंकि इसमें भाप निकलती दिखाई है तो ये हो गया गरम। ठीक है, आपकी एयर बक्शीट हो गई। आपको फिर क्या करना है, इसको इरेज करना। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया, गलत हो जाता है, तो आप उसको फिर से इरेज करके आप दोबारा यूज कर सकते हैं, है ना। बच्चे एकदम थोड़ा आता है सब कुछ, धीरे धीरे तो आएगा। चलिए एक बार शुरू करते हैं। हाँ जी, अब इसमें क्या करना है, हमने चित्र देखकर शब्द पूरा करो। ये चित्र बना हुआ बेटा, ठीक है। अब इसमें कुछ लिखना है, जो चित्र दिख रहा है उसको हमें पूरा करना है। कुछ कुछ लिखा हुआ है और कुछ हमें भरना है। जैसे क्या है, भ से शुरू हो रहा है और न पे खत्म हो रहा है। भ भवन, तो क्या आएगा, व, व नहीं है, भ व न भवन। अभी क्या है, कलश, तो श तो लिखा हुआ कलश, और पहले क्या आना चाहिए, क ल कलश। ये क्या है, कमल, कमल, इसे पूरा करेंगे। ठीक है, क म ल, जब बार बार बोल बोल के लिखते हो तो आपको वो अच्छी तरह से समझ में आता है, याद भी हो जाती है चीजें। अब ये क्या, ये है नहर, न ह र, थोड़ी पिक्चर हो सकता है ऐसे बनाई हूँ मैंने, और बेटा मैंने नहर बनाई है, है ना। ये क्या है, दो लेटर वर्ड्स हमने करा था पथ, अब ये थ्री लेटर वर्ड्स है, तो क्या है ये, सड़क, स ड क सड़क। ठीक है, फिर से हम इसको इरेज कर देंगे। जैसे हमको समझ में नहीं आया तो हम फिर से अपना, पहले हमने पूछ पूछ के लिखा, हमें नहीं आया समझ में भाई, फिर हमने कहा कि इसे इरेज कर दो सारे को, फिर हम अपने हिसाब से फिर से करेंगे, है ना। हाँ जी, अब इसमें क्या करना है आपको, अब आप इतने परफेक्ट हो चुके हैं, जितनी प्रैक्टिस करवाई मैंने अभी बख्शीश की, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कोई चित्र वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं बेटा। ठीक है, आपको क्या करना है, दिए गए वर्णों की सहायता से शब्द पूरा करने। अब ये बादल बादल से बना दिए मैंने, इसमें बादल में कुछ अक्षर लिखे गए हैं और नीचे कुछ शब्द हैं जिनमें कुछ मिसिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं, खाली स्थान बोलते हैं ना। अब हमने पूरा करना है, तो श और द लिखा है, तो क्या हो सकता है, वो शब्द आपको सोचना है और लिखना है। ठीक है, अब जैसे ग र गर, गर आगे क्या लगाएं, मगर भी हो सकता है, अगर भी हो सकता है, नगर भी हो सकता है ना। तो आप ये इसमें सोच सोच के आपको पूरा करना है। जैसे ड लिखा है, आगे पीछे कुछ भी नहीं है, हम सड़क भी कर सकते हैं, कड़क भी कर सकते हैं, फड़क भी कर सकते हैं, अगर इसमें फ है नहीं, फ नहीं है, क लिखा है तो कड़क हो सकता है ना। तो ऐसे आपको पूरे करने हैं। ठीक है, कलम, कमल नहीं, म पीछे ना, तो कसम भी हो सकता है ना। जैसे अभी शहद, ये क्या है, शहद, ये मैंने जैसे भी आपको बताया है ना। मगर, मगर नहीं है तो नगर भी हो सकता है ना, नगर, तो अगर, कितने सारे हो सकते हैं ना। तो आपको जो सही लग रहा है आप उसमें भर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं उनको आपको भरना है। सी क्या, चरण, क्या हो सकता है, र भर देते हैं, चरण, चरण मतलब पैर, है ना। इनमें से लेने हैं आपको, सिर्फ इनमें से, ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी भरेंगे, नहीं, जो इसमें लिखे गए उन्हीं में से लेना है। भ ज न, न है इसमें, है न, हमने ले लिया। ये क्या है, क, जैसे मैंने बताया कलम, ल है, है, स भी हो सकता है, कसम भी हो सकता है ना, पर हमने लिख लिया कलम, लिख लिया। ठीक है, ऐसे आपको वर्ड्स पूरे करने हैं। इसके बाद लास्ट में क्या आता है, सबको पता है, श्रुत लेख। ठीक है, ये मैंने पहले वाली वर्कशीट ले ली है जो मैंने टू लेटर वर्ड्स में करी थी। ठीक है, क्योंकि रीयूजेबल है, हम एक बार बना लेंगे, हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं कुछ वर्ड्स बोलती हूँ, वो आपको इसमें लिखने हैं, ये आपको इसी से बुलवा सकते हैं, नहीं तो कोई फ्रेंड्स भी आपके आपस में बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला अमन, अ म न, अमन। ठीक है, आपको ऐसे सारे श्रुत लेख लिखनी है और उसको फिर से इरेज कर देना। अब बताइए कैसे लगी वीडियो, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और इन वर्कशीट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।